नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान। और क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों के इतने मेल्स आए कि बच्चों का स्ट्रेस है, बच्चों का एग्जाम का स्ट्रेस है, आई अंडरस्टैंड, बीइंग अ मदर आई डू अंडरस्टैंड। तो आपके बच्चों का स्ट्रेस दूर करने के लिए हम उनकी बेडरूम में छोटी छोटी सिंपल मूवमेंट्स एंड शिफ्टिंग्स करेंगे। कुछ तोड़फोड़ नहीं, कोई लंबी दिक्कत नहीं, जस्ट टू मेक इट मोर एमिकेबल ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आज मैं आपके सिग्नेचर की बात करूंगी जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। रिमेंबर, जब मैं सिग्नेचर के बारे में बात करूं तो वो ऑटोमेटिकली पैसे से जुड़ा होता है। जब मैं हैंडराइटिंग के बारे में बात करूं तो आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशन, आपके इनर सेल्फ से जुड़ा होता है। आज हम सिग्नेचर की बात करेंगे, थोड़े पैसे की बात करेंगे। तो फिर चलिए देर नहीं करते, आइए शो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, तो आप अपने इस मौके को पहचाने और हाथ से जाने ना दें। लेकिन आपको हेल्थ के रिलेटेड इशू परेशान कर सकता है, अपनी हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। और जॉब के मसले में खुद को आलस के कारण आपको किसी भी तरीके से नाकाम नहीं होने देना है, नेगेटिव नहीं होने देना है। आज आप देसी चीनी जल, मतलब आज आप थोड़ी सी देसी चीनी इतनी सी आधा चम्मच फ्लोइंग वाटर में डाल दीजिए या किसी पेड़ के नीचे एंट्स के लिए रख दीजिए। लकी कलर फॉर यू टुडे इज कोरल। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लक साथ दे रहा है 70%। वृश्चिक राशि के लोग, आज किसी बात का डर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बेवजह की बातों से खुद को परेशान ना होने दें। आज आप बोलते वक्त थोड़ा ध्यान दें, आज आपके वर्ड्स आपका साथ नहीं देंगे, जिससे बिना काम बिगड़ सकता है और बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। आज आप सुरमे का दान करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज नेवी ब्लू। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3। लक आपका साथ दे रहा है 56%। मिथुन राशि वाले लोग, बिजनेस में आज आप जो भी बिजनेस में लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना इनको चाहिए। इसका सही समय आ गया है। नए लोगों से मिले जुले आपको फायदा होगा। आज बर्तनों की खरीदारी करें, इसके योग बन रहे हैं। बड़ी उलझनों से बचने के लिए अपनी जबान पर, अपनी टंग पर काबू रखें। आज आप इमली का दान कर सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज मस्टर्ड। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 9। एंड लक इज सपोर्टिंग यू बाय 73%। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है। आज मन मुताबिक आपको ट्रांसफर मिल सकता है। जो यूथ है इनके लिए नए जॉब के योग भी बनेंगे। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेकर घर से निकलें। आज आपके सभी काम बनेंगे। शिवजी के अर्धनारेश्वर रूप की पूजा करें, इससे बिजनेस में भी फायदा होगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज स्टील। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7। और लक आपका सपोर्ट कर रहा है आज 90%। सिंह राशि की बात करते हैं। आज के दिन सिंह राशि वालों को कई बार एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन अंत में आपके काम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने घर में बड़ों का सजेशन ले लो, उनके एक्सपीरियंस से आपको फायदा होगा। आज आप गरीबों में कुछ मीठा बांध सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज टैन कलर। लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 1। लक आपका सपोर्ट कर रहा है 50%। कन्या राशि वाले लोग, यानी कि वर्गोस, वर्गोस को आज समझना पड़ेगा कि रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए जो भी काम मिले उसे करने में कोई बुराई नहीं होती। आप पैसे कमाने का कोई भी मौका जाने नहीं देंगे। आज आपकी लव लाइफ में कुछ समय के लिए परेशानी आ सकती है। आज के दिन आप बनाना ट्री के पत्ते पर खाना खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज गोल्ड। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8। एंड लक इज सपोर्टिंग यू बाय 61%। तुला राशि के लोग, आज तुला राशि के लोगों को कई तरीके के करियर से जुड़े हुए रास्ते आपके खुलेंगे। आपको अपने टैलेंट के आधार पर अपने रास्तों का चुनाव करना होगा। आज के दिन नॉलेज बढ़ाने के भी कई मौके आपको मिलेंगे। आप अपने स्टमक से जुड़ी किसी प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आज थोड़ा सा सिंपल फूड खाइए। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ब्रॉन्ज। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2। एंड लक आपका साथ दे रहा है आज 72%। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वाले लोग, आज के दिन आपके घर पर कोई बहुत खास मेहमान आएगा जो आपके साथ कोई गुड न्यूज लेकर आएगा। आप उससे बहुत खुश होंगे। आज आपको एक से ज्यादा जॉब के ऑफर आ सकते हैं। इन ऑफर्स में आप पर अपनी सैलरी पर फोकस करने की जरूरत है। आगे चलकर आपको और ज्यादा फायदा होगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ग्रीन।
लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 87%। धनु राशि के लोग बिजनेस में थोड़ा सा सावधान रहे। आज हर दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो आज थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले एरिया को अवॉइड करें। आज आपके पैसे का सुख साधनों पर खर्च होगा, पैसा लग्जरी पे खर्च होगा, लेकिन आपकी की गई सेविंग आज आपको फायदा देगी। आज बच्चों की तरफ से कोई भी अच्छी खबर, गुड न्यूज आपको मिलेगी। आज आप भैरव चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा होगा, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज समथिंग दैट आई एम वेयरिंग, ब्राइट पिंक। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 4। लक आपको सपोर्ट कर रहा है आज 75%। केप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों की बात करते हैं। आज का दिन आपके खाने पीने में बीतने वाला है। आज रिलेटिव्स की तरफ से बुलावा आ सकता है, जहां जाकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। बिजनेस के लिए आज दिन अच्छा है, आपके बिजनेस में फायदा होता नजर आ रहा है। इसके लिए आज शाम आप राधा कृष्ण मंदिर में कुछ फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज चारकोल। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 11। लक इज सपोर्टिंग यू बाय 83%। आप अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आज उस काम को कर सकते हैं। आज आपको अपने टीचर्स का साथ मिलेगा और ये कोर्स आगे चलकर आपके करियर में बहुत ज्यादा चीजें एड ऑन करेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज आप पूरी विल पावर के साथ काम करेंगे, तो आपको फेम जरूर मिलेगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज वॉयलेट। लकी नंबर इज 7 एंड लक इज सपोर्टिंग यू बाय 68%। चलिए पाइसिस की बात करते हैं, मीन राशि वाले लोगों की। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो आज किसी भी तरीके का समझौता ना करें। ये समझौता आपको फ्यूचर में दुखी देगा, दुख करेगा। पैसे के मामले में आज ज्यादा भरोसा किसी पर भी नहीं करें। आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय गुजारें, वो आपके साथ आगे चलकर हर कदम पर साथ देंगे। आज आपकी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होगी। आज आप कॉपर किसी फॉर्म में पहन सकते हैं या साथ रख सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज मरून। लकी नंबर इज 4 एंड लक इज सपोर्टिंग यू बाय 74%। आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बार लक्षण हो सकता है किसी बड़ी बीमारी के आने का। लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत जल्दी जल्दी स्नीजिंग आती है, तो इससे इंसान की इम्यूनिटी वीक है, ये पता चलता है। इसीलिए आज हमको स्नीजिंग को रोकने, इस रेगुलर पैटर्न को रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको बताने हैं। एक ग्लास गर्म पानी में एक चम्मच हनी और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसको बोलते हैं, मिलाकर पिए। इससे स्नीजिंग आने में आराम आता है। इसके साथ साथ लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग लीजिए। इससे इसकी जो स्मेल है, इसको आप सूंघ सकते हैं। इससे बार बार जो स्नीजिंग आती है, इसमें राहत मिलती है। उबलते हुए पानी में कुछ मिंट के तेल यानी कि मिंट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। इस पानी से आप स्टीम लीजिए, ये भी आपके स्नीजिंग में हेल्प करेगा, आपकी बार बार स्नीजिंग के इशू को रिजॉल्व करेगा। एक ग्लास पानी में एक चम्मच अजवाइन डालकर आप उबालिए। जब ये पानी ल्यूकवॉर्म हो जाए, तो छान कर इसमें हनी मिलाकर पी लीजिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उबले हुए पानी में यूकलिप्टस के ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालकर आप स्टीम ले सकते हैं। इसे छींक आना बंद होता है और नेजल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। इसीलिए आपने देखा है बहुत सारे स्टीम रूम्स में यूकलिप्टस ऑयल डालकर ही रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके सिग्नेचर की। आपके सिग्नेचर और आपके लक का क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ कि आपके सिग्नेचर और आपके लक का, आपके फाइनेंस का क्या कनेक्शन है। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि बैंक आपको आपकी चेकबुक से जानता है। आपके चेक बिना आपकी शक्ल देखे पास होते हैं, बिकॉज योर सिग्नेचर इज वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई योर फाइनेंस, योर अकाउंट। तो आपके सिग्नेचर तय करते हैं कितना पैसा कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। तो आज सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ और खास टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। जिन लोगों के सिग्नेचर बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होते हैं, फैले हुए सिग्नेचर होते हैं, लंबे वाइड सिग्नेचर बोलते हैं ना, अपने नाम को फैला कर रखते हैं, या हर एक अक्षर में लूप बनता है, जैसे आप देखते हैं जी में नीचे लूप बन रहा है, गुप्ता में नीचे लूप बन रहा है, या अगर हम विशाल में एच को ऊपर करके लूप कर दें, तो जब सिग्नेचर में ऐसे लूप्स बनते हैं,
या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे मोदी जी के सिग्नेचर में मैंने आपको बताया था मोदी में ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जब ये क्लोजिंग लूप्स बनते हैं बीट हिंदी और बीट इंग्लिश, तो ये होना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये मतलबी तो मैं नहीं कहूंगी, बट थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। पहले स्पष्ट और फिर अस्पष्ट, यानी कि पहले क्लियर और फिर अगर सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो ऐसे लोग दो शब्दों में लिखते हैं। उनका अंतिम पैरा छोटा और ठीक से पढ़ने में ना आने वाला होता है। तो ऐसे लोग, जैसे सपोज करते हैं किसी ने लिखा, विशाल ने अपने नाम को लिखा ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो आपके सिग्नेचर का पहला पार्ट तो क्लियर है लेकिन सेकेंड पार्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसे लोग सिग्नेचर में आगे जाकर पहले तो चीज़ें क्लैरिटी से करते हैं, फिर सब गोल 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 घुमा के कर देते हैं। ऐसे लोग सभी के साथ एक डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। अब जो लोग जब लिखते हैं और उनके सिग्नेचर हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और सिग्नेचर हमेशा क्लियर रहते हैं, ऐसे लोग सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। ये लोग एक खुले दिमाग के लोग होते हैं, जीवन में किसी भी चीज़ में ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा क्लियर सिग्नेचर्स ठीक होते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मैं जानती हूँ जिनके सिग्नेचर ऐसे गुचर मुचर होते हैं। अब सपोज करते हैं आप स्टॉक का काम कर रहे हैं, शेयर बाजार का काम कर रहे हैं, तो स्टॉक के काम में अगर आप क्लियर सिग्नेचर करेंगे तो लोग तो आपको लूट के ले जाएंगे। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर छुपाने की ज़रूरत है, रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, तो उसमें अनक्लियर सिग्नेचर काम करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कितना पैसा है और कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। नथिंग इज़ बैड एंड नथिंग इज़ गुड, डिपेंडिंग अपॉन चाहिए क्या और है क्या, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में और करना क्या है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे सिग्नेचर खराब है, मैं गोल 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 करके लिखता हूँ, मैं बदल दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पेट दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे आप? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, लाइफ में प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर तकलीफ है तो फिर अभी बदलने की जरूरत है। अब जिससे आप चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिससे आपको प्यार है, उसके लिए छोटी सी रेमेडी करें। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करें। इससे लव और अनकंडीशनल लव मिलता है। कोई डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर होता है, तो ऐसे में पूजा पाठ में जो फूल इस्तेमाल होते हैं इसको लोग जमा करते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तब इन्हें साफ जगह बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्लीज नदी को पल्यूट नहीं करें, इससे आप ही का चंद्रमा खराब होता है। उसको पेड़ के नीचे रखें, खाद बन जाएगा। तो नदी को पल्यूट नहीं करना है। घर में बंद पड़ी घड़ियां जो हैं इसे फौरन हटाइए, क्योंकि ये आपका वक्त रुका हुआ है। घर में बंद घड़ियां जो सेल से या मोटर से नहीं चल सकती हैं, ये आपकी सफलता, आपके प्रोग्रेस को रोकती हैं। बैड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वॉचेस जो ठीक नहीं हो सकती, घर से हटाइए। वास्तु के हिसाब से बच्चों का कमरा कैसा होना चाहिए? बच्चों के कमरे में एंट्री नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। खिड़की या रोशनदान भी, मतलब देयर शुड बी इनफ लाइट कमिंग देयर। बच्चों की टेबल ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़े, उन्हें नींद नहीं आए। बच्चों का रूम कभी भी सीढ़ियों से और टॉयलेट से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम बेड नहीं होना चाहिए, हेड नहीं होना चाहिए। बच्चों के कमरे में नॉर्थ ईस्ट में आप सिंपल क्रिस्टल रख सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं। अगर बच्चे किसी एडिक्शन में हैं, खराब कंपनी में हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो आप अपनी अफर्मेशन लिखकर भी बच्चों के कमरे में नॉर्थ ईस्ट में छुपाकर चिपका सकते हैं। बुक्स को या सिलेबस को, सपोज बुक्स नहीं रख सकते हम नॉर्थ ईस्ट में, कोई बात नहीं, बच्चों का सिलेबस नॉर्थ ईस्ट में चिपका दीजिए। बच्चों का फेस पढ़ते समय हमेशा या नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। एक छोटा सा गणेश जी जो कि विटीनेस बढ़ाते हैं और माँ सरस्वती जो मेमोरी को शार्प करती हैं, इनकी छोटी छोटी फोटो या इनकी छोटी सी टैचू को, आजकल तो ब्यूटीफुल क्रिस्टल के भी मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। कमरे में नॉर्थ ईस्ट में हमेशा क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, कबाड़ नहीं होने चाहिए, मैले कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की कबर्ड आ रही हैं तो उसमें बच्चे ऐसे कपड़े ना गठरी बनाकर एक के ऊपर एक फेंक चले जाते हैं, ऐसे जैसे सोम बाजार की गठरी हो जाती है। इफ देयर इज एनीथिंग इन नॉर्थ ईस्ट तो वो बिल्कुल क्लियर होकर लगनी चाहिए। और जहाँ बच्चे सोते हैं अगर वो बेडरूम के साउथ वेस्ट में सोएं तो बहुत अच्छा है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बच्चों के साउथ वेस्ट में, उनके बेडरूम के साउथ वेस्ट में उनकी फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। कमरे के बीच में, बच्चों के कमरे के सेंटर में भारी सामान नहीं होना चाहिए। कमरे में लाइट शेड्स होने चाहिए, लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, जिन बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है स्काई ब्लू, जो बच्चे आलसी हैं लाइट ग्रीन। कमरे के बीच की जगह आप बच्चों के खेलने के लिए या सिटिंग के लिए रख सकते हैं।
वक्त हो गया है मेरे जाने का। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और मैं आपको एक छोटी सी चीज सजेस्ट भी करूंगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेल्स पढ़ती हूँ, आप लोग जो लिखते हैं मैं वो पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके सवाल जेनरिक होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने स्पेसिफिक सवालों का शो पे जवाब देना शुरू नहीं किया है। आपके जेनरिक क्वेश्चंस, चाहे वो सास बहू के रिलेशनशिप इश्यूज हों, काम के हों, लोन्स के हों, प्रॉपर्टी ना बनने के हों, किसी भी चीज़ को लेकर हों, जब वो जेनरिक होते हैं तो वो हजारों लाखों लोगों के काम आ सकते हैं। सो जस्ट बी लिटिल मोर जेनरिक सो दैट योर क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर अदर पीपल ऑल्सो। रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, राइट? तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।